गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज देखिए, सुबह सुबह बिना नहाए मुझे अभी वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि पानी कहीं भी नहीं आ रहा है। पानी ख़त्म हो चुका है। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए। लाइट भी जा चुकी है। समझ नहीं आ रहा आज का दिन कैसे जाएगा। और मैं कब से, कम से कम एक घंटा हो गया मुझे उठे हुए, और मैं बैठी हुई हूँ कि लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। बस होप है कि जल्दी से लाइट आ जाए, क्योंकि आज के पापा को ऑफिस जाना है, वो उठेंगे। तो बस यही है कि उनके उठने से पहले लाइट आ जाए, नहीं तो वो ऑफिस कैसे जाएंगे, कहीं छुट्टी ना करनी पड़ जाए आज। वैसे ये भी हमारे यहाँ ना डायरेक्ट में पानी आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। मैंने बकेट लगाई हुई है, अगर वहाँ से पानी आ गया और भर गया पानी, तो कैंश के पापा नहा लेंगे, मैं तो शायद थोड़ा बहुत लेट भी नहा लूँगी। तो बस अभी मैं यही वेट कर रही हूँ। मैंने बकेट लगाई हुई, हल्का हल्का पानी आ रहा है, भर जाए। टंकी में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, जो धीरे धीरे करके पानी आया था। तो पापा जी को दुकान जाना था, फिर पापा जी ने उससे नहा लिया। बस ये है कि पानी आए, मैं जल्दी से नहाऊं और फिर बाकी काम स्टार्ट करें। तो चलिए मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत पानी आया है या नहीं, और देखती हूँ क्या अंश उठ रहा है या नहीं। मुझे लग रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। इतना इतना पानी आ रहा है, ख़त्म। इस नल में इतना पानी आएगा बस। तो मैं वेट करके ऐसे ही कर करके ना मेरी बकेट भर जाए। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तीनों नल खुले हुए हैं, किसी में कोई पानी नहीं है। और वैसे होपफुली थोड़ा थोड़ा करके मेरा इतना पानी भर चुका है। ये देखो, इतने मुश्किल से पानी आया है और क्यांश लग गया है ब्रश करने के लिए। क्यांश क्या कर रहे हो आप? ई कर रहे हो? हाय, गुड मॉर्निंग। चलो अब आप इसको बंद कर दो, है ना? फालतू में पानी वेस्ट नहीं करते। आज बहुत मुश्किल से पानी आया है। नहीं, सच में पानी नहीं आ रहा था आज। पानी नहीं आ रहा था। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के बिल्कुल तैयार, और मैंने क्यांश के पापा के लिए चाय भी बना दी है। इधर मैं सेकूंगी ब्रेड। ब्रेड का पैकेट आ चुका है और अभी मैं ब्रेड सेक देती हूँ, क्योंकि क्यांश के पापा सुबह सुबह नाश्ते में सिर्फ ब्रेड, बटर या फिर सिर्फ सिकी हुई ब्रेड लेते हैं, और कुछ भी सुबह सुबह नहीं खाते हैं वो। तो मैंने कहा चलो उनके लिए ब्रेड सेक देती हूँ। होपफुली मोटर भी, मतलब पानी भी आ गया है, तो मोटर चल रही है। इतनी परेशानी हुई नहीं है। मुझे लग रहा था कि शायद पानी नहीं आएगा, पता नहीं कैसे नहाएंगे। पानी आ गया है, कैश के पापा नहा लिए हैं, एंड अब मैं जल्दी से ब्रेड सेक देती हूँ। चाय बन चुकी है, अब चाय ब्रेड लेंगे कैश। कैश ध्यान से, और कैश कर रहा है ब्रश, जैसे कि आप सब देख चुके हैं। कैश देखते हैं ना कि पापा सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं, तो कैश को भी ब्रश करना होता है। मम्मा कर रही है, तो मतलब ये अच्छी आदत है कि बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। और हमें बोलना ही नहीं पड़ता है क्यांश को कि ब्रश करना है, उसने खुद ही, उसको पता है कि मम्मी पापा कर रहे हैं तो मैंने ब्रश करना है। लेकिन पूरी कॉपी करता है। क्यांश के पापा ऐसा ये करेंगे तो उसने भी ऐसे ही करना है। पूरे अपने पापा की कार्बन कॉपी है क्यांश। क्यांश आ जाओ मैं लेने, पापा के साथ आ जाओ। काम पापा इसको अपने साथ रूम में ले जाइए। तो जल्दी से लगा देती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ नाश्ता, मतलब नाश्ता बता ही दिया मैंने क्या बनाया है, ब्रेड और बटर। तो चाय का एक कप ये आ गया है। शायद मैंने आप लोगों को बताया था, ये दोनों कप मैं एक साथ लेके आई थी। इसके और भी कप थे, बाकी टूट गए थे जिस दिन लेके आई थी, सेम डे ये बचे हुए हैं। जिसने भी मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। प्याज की और पापा की और मेरी चाय आ गई है, ब्रेड सेक कर तैयार है। और ऐसे ही मैं जल्दी से सारी ब्रेड सेक लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा।
चाय और ब्रेड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मतलब आपको पता है कि मैं पहले भी हाई बोल चुकी हूँ। आज मैं बना रही हूँ ये स्प्रिंग अनियन। हमारे यहाँ इसे बोलते हैं, यहाँ ससुराल में हरी प्याज स्प्रिंग अनियन, और मेरी मम्मी के यहाँ इसे बोलते हैं। मतलब मेरी मम्मी के यहाँ भी अब तो शायद नहीं बोलते हैं लोग, जब मेरी दादी थी ना तो वो बोलती थी इसे गंठी। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने ये नाम कभी सुना है। और एक मतलब सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। पता है मेरे जो दादू थे तो उन्हें लोग कहते थे गंठी खावा, क्योंकि वो ना प्याज से, हरी प्याज या कोई भी प्याज होती थी उससे चिढ़ते थे। तो लोग चिढ़ाते नहीं है किसी चीज से भी, तो गांव वगैरह में ऐसे बहुत चिढ़ाते किसी भी चीज का नाम लेके। तो मेरे दादू चिढ़ते थे, मतलब पहले प्याज नहीं बोलते थे, अनियन नहीं बोलते थे, इस प्याज को स्प्रिंग अनियन नहीं बोलते थे, सिर्फ गंठी बोलते थे हमारे गांव में। तो लोग दादू को कहते थे गंठी खावा, तो दादू ने मेरे एकदम चेत जाते थे, चिढ़ जाते थे। तो आज मैं जब बना रही थी ये प्याज, मतलब मैं निकाली तो मुझे याद आ गया, मैं मम्मी से बात कर रही थी, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दादू क्यों चिढ़ते थे इस चीज से, तो मम्मी ने मुझे बताया। मैंने कहा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी क्या प्याज की, उसे उन्हें लोग सब बोलते थे गंठी खावा गंठी खावा। मम्मी ने बताया कि वो गंठी पसंद ही नहीं करते थे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो इनके आगे कोई नाम लेता था वो चिढ़ जाते थे, तो इसीलिए सब उन्हें गंठी खावा बोलते थे। तो ये सारी चीजें होती हैं, कई बार ना ऐसे याद आ जाता है या कुछ भी, मतलब या वो वाली लाइफ, गांव वाली लाइफ ना बहुत अच्छी होती है। लाइफ तो सारी बहुत अच्छी होती है, गांव की हो शहर की हो, लेकिन जो गांव की ताजी ताजी हवा होती है, गांव का वो एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे मतलब चारों तरफ से कौओं की चिड़ियों की बोलने की आवाज आती है सुबह सुबह, और उसके बाद आप देखते हो कि आसपास गायें बोल रही हैं, किसी के यहाँ गायें भैंस की आवाज आ रही है, मतलब बच्चों का इतना शोर आ रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, वो मतलब आप गांव जाओगे ना आपकी सुबह 7 बजे मैक्सिमम 7 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। क्योंकि पता है क्या होता है, वहां बहुत ज्यादा शोर होता है, आवाजें आने लग जाती हैं। ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अनियन को कट कर लेना है, उसमें 1 या 2 आलू डाल देना है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, अनियन और ये आलू को कट करके एक सिर्फ एक टमाटर डालना है, और नमक और हल्दी कुछ एक्स्ट्रा, सिर्फ एक हरी मिर्च डलेगी और ना कोई मसाला डलेगा ना कुछ, और ये सुपर टेस्टी सब्जी बनके आपके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपको, पर ये कट कर लेती हूँ, इसे काटने में बहुत टाइम लगता है और आंसू बहुत ज्यादा आते हैं।